एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ और शादी के रस्म और रिवाज फिलहाल नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी थोड़ी डिले कर दी जाए। लेकिन हारून है कि शायद वो तुम्हारी फैमिली से बिजनेस स्पोर्ट के चक्रों में शादी जल्द अज जल्द करना चाहता है। क्या कहा आपने, बिजनेस स्पोर्ट? हेलो। हाँ हेलो, क्या हुआ? कल से ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, सब ठीक है? हारून, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे तो बताओ तो, बात क्या है? एक्चुअली आई एम वेरी कंफ्यूज। क्यों, किस लिए? तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर जहेज में मैं कुछ भी ना लाऊं तो सनिया से शादी करोगे? कैसी बातें कर रही हो यार, मतलब मैंने तुम्हें कहा तो था चाहे कुछ भी हो जाए हम शादी जरूर करेंगे, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो आज भी मेरा तुमसे यही सवाल है, तुम बिजनेस सपोर्ट के लिए किसी ऐसे वैसे चक्कर के लिए मुझसे शादी तो नहीं कर रहे? कम ऑन, क्या कह क्या रही हो तुम, ऐसा नहीं है। तो फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम अपने भाई के सौतेले भाई हो और जितना भी बिजनेस है ये जुल्फिकार भाई का है, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? अबू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, उस वक्त घर के हालात ही कुछ ऐसे थे, इस घर से निजात पाने का रास्ता सिर्फ एक ही था निका, तो मैंने उससे किया। इस निकाह के बारे में कौन कौन जानते हैं? अम्मी जानती हैं, सर के फैमिली और बाजी को भी पता है इस बारे में। नहीं, मेरे अलावा सब लोग जानते हैं। अफसोस है। नहीं अब्बू, ये आपसे बहुत पहले की बात है। बेटा, जब लड़के की फैमिली को पता है तो फिर क्या कमा है? सरक ने ये निकाह छुपके किया है। जब मैंने उसके घर में जाके बताया तो उसकी अम्मी साफ साफ बोलते हैं कि मुझे तलाक दे दे। तुम्हें ये निकाह निजात लगा था, लेकिन बेटा तुम तो और कंकन ना किसके? मगर मुझे पूरा यकीन है आप पे, आप मेरे इस मसले का हल जरूर निकालेंगे। हरिता बेटी, मेरे पास कोई अलादीन का चराग तो नहीं है ना? पहले मुझे तफसील बताओ क्या है। मेरे मरहूम अबू और मेरे भाई, इन दोनों ने उस घर को बिल्कुल जहन्नुम बना दिया था। उन दोनों का सलूक मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने छुपकर निकाह कर लिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बाज नहीं आओगी ना तो? मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुम सनिया को बदजन कर रही हो मुझसे। देखो, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत? तो सौतेला बताने की क्या जरूरत थी? हाँ, माना कि शादी के अखराजात भाई उठा रहे हैं और ये बिजनेस उनका है, मेरा नहीं है, लेकिन तुम कल की आई हुई औरत, इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? ओ, माना कि ये सब बातें मेरे मुंह से निकल गई। उस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस में थी, लेकिन इसमें झूठ क्या है, सब सच ही तो है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था मेरा काम मत बिगाड़ना, लेकिन तुम मुसलसल मुझे टफ टाइम दे रही हो। अपने तौर पर तो तुमने शादी को भी बिगाड़ दिया है।
वैसे हारून तुम्हें भी सच बोलना चाहिए था। हाँ, सच बताने के लिए ही उसे मैंने आज डिनर पर इनवाइट किया है, और आज सारी बातें भाई के सामने ही होंगी। मैं ये भी बताऊंगा कि इस बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। कहने को तो बहुत बड़े घर की लड़की है वो, हरकतें उसकी बिल्कुल मिडिल क्लास लड़कियों जैसी है। इतनी सी बात वो अपने पेट में ही रख सकी? इतनी सी बात नहीं है ये, तुम अभी से ऐसा कर रही हो? जब वो आ जाएगी तो क्या करोगी? मुझे तो ये फिक्र हो रही है, अभी तो वो आई भी नहीं और मुझसे इतने पूछ पुछावे हो रहे हैं, जब वो आ जाएगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब बाकी बात है भैया के सामने ही होंगी। ये लीजिए अम्मी चाय। वो मैं सोनिया की तरफ जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। पागल तो नहीं हो गई हो? अरे तुम्हें कोई डर खौफ नहीं है? किस बात का डर? किस मिट्टी की बनी हुई हो नैना, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है और फिर बाहर जा रही हूँ। क्या हो गया है? तुम्हें वाकई डर खौफ नहीं है? अम्मी इसमें डरने वाली कौन सी बात है, खैर खैरियत से घर वापस आ गई हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है। मगर बेटा, अगर मगर कुछ नहीं है, दुनिया पीस के रख देती है ऐसे लोगों को जो डरते हैं। मैं उन लोगों में नहीं होना चाहती। ये खुशफहमी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। ये मेरी खुशफहमी नहीं है अम्मी, खुद एतमादी है। अच्छा मैं जा रही हूँ, शैला क्या उसको भी तो पता चले मैं ठीक ठाक वापस आ गई हूँ, और बाल भी कटवाने जाऊंगी मैं पार्लर। अरे ये लड़की को बात ही नहीं सुनती। मैं तुम्हें मना कर रही थी ना कि मत जाओ। अच्छा सुनो, अंधेरा होने से पहले पहले घर आ जाना। तो क्या अंधेरा होने पे गीदड़ निकल आएंगे सड़कों पे? बस आती हूँ अभी, और फिक्र मत कीजिएगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नैना नैना, लड़की ऐसे पास नहीं आएगी, इसका कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरबाज, अगर बेटा तुम मसरूफ ना हो तो थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी आंटी, आप खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। दरअसल इस वक्त नैना घर पे नहीं है ना, और मैं चाह रही थी कि मैं उसकी अदम मौजूदगी में तुमसे बात करूँ। देखो प्लीज मना मत करना। आंटी मसला क्या है, सब ठीक तो है? अरे अरे बेटा तुम परेशान मत हो, बस तुम मेरे पास आ जाओ, बाकी बातें आमने सामने करेंगे। जी ठीक है आता हूँ। तुम क्यों आ जाती हो यार, मना भी करता हूँ तुम। क्योंकि तुम मुझे फोन पे सीरियस नहीं लेते, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हजार बार मना किया कि ऑफिस मत आया करो, तुम फिर भी आ जाती हो। तो जर क्या होगी अगर मैं आ भी गई यहाँ पे, तो कौन सी कयामत आ गई है या कोई और चक्कर है? नहीं मेरी जान, कोई चक्कर नहीं है। अम्मी और रिवजा ऑफिस में फोन करते हैं, अब उन्हें कोई बता देगा तो फिर मसला हो जाएगा ना। हाँ तो? अरे यार देखो, फोन करेंगी तुम्हारा हुलिया पूछेंगी, दो मिनट में पता चल जाएगा तुम्हें। फिर तुम्हारी इन सब हरकत से मुझे चिढ़ होती है, तुम्हें इस मसले का हल निकालना चाहिए, और तुम खुद इसको। यार देखो मेरे पास फिलहाल तो इन बातों का कोई हल नहीं। हल है, और मैं सब कुछ अब्बू को बता चुकी हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमने निकाह इस शर्त पे किया था कि हम इसको राज रखेंगे, और तुम पागल हो? अच्छा और मैं याद दिलाऊं तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था सही वक्त आती तुम सबको बता दोगी। तुम क्या कर रहे हो ऐसा? आराम से बात करो, ऑफिस में बैठी है, वो सुन लेगा यार। अच्छा जाओ भी यहां से। नहीं जाऊंगी मैं जर्क, मैं तुम्हें यहां से लेने आई हूं और तुम्हें लेके जाऊंगी मैं।
रीता खुदा के लिए अभी चली जाओ यहाँ से, मैं ऑफिस के बाद तुमसे आके मिलता हूँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। आंटी आप कोई बात करना चाहती थी? हाँ बेटा, लव्स तलाश करने की कोशिश कर रही थी, सोच रही हूँ कि कहाँ से बात शुरू करूँ। कोई परेशानी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब तुम खुद ही देखो, रात के 7:30 बज रहे हैं और अभी तक नैना अपनी सहेली के घर से नहीं लौटी। मैं ले? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचो। देखो अरबाज, बुरा मत मानना, ये मत सोचना कि मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। नहीं आंटी, मैं बुरा क्यों मानूंगा, लेकिन मैं सच में आपकी बात नहीं समझ पा रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुमसे खुल के बात करूँ, अब तुम इस बात को मानते हो कि तुम और नैना एक दूसरे को पसंद करते हो? देखो देखो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे कोई एतराज नहीं है मैं नैना की शादी तुमसे करने पर। थैंक यू आंटी, लेकिन ये शादी की बात बहुत जरूरी है बेटा। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि नैना बहुत बहादुर है, बहुत समझदार है, और इसी बहादुरी की वजह से उसने अपनी जिंदगी में कई बार तलख तजुर्बों से खुद को बचाया है, जिसमें एक उसका अगवा का वाकया भी है। जी आई एम सॉरी आंटी, मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों ने यह अगवा किया था। तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या तुम्हारे दोस्त नैना को नुकसान पहुंचाने से रुक जाएंगे? हरगिज़ नहीं, मैंने बोला उनसे कि नैना मेरी इज्जत है। बस मैं दरअसल यही कहना चाह रही हूँ, जब तुमने नैना को अपनी इज्जत मान ली है तो बना भी लो। मतलब नैना से शादी कर लो। मैं आपसे एग्री करता हूँ आंटी, आपका अंदेशा और ख्वाहिश बजा है, लेकिन इस वक्त मैं इस काबिल नहीं हूँ कि फौरी तौर पर नैना से शादी कर सकूँ। मैंने तुम्हें जल्दी शादी करने के इतने रीजन बताए हैं, फिर भी आंटी आपको मेरी पोजीशन का पता है, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, घर और शॉप दोनों अब्बा के पास है, और इस हाल में मैं अम्मा से कैसे कह सकता हूँ कि मेरी शादी करूँ? बेटा देखो, वो लोग सेटल हैं और तुम्हारी माँ के दिल में लाजमी अपनी बहू लाने की ख्वाहिश होगी। चलो अगर तुम अपनी माँ से बात नहीं कर सकते तो अपने वाली से बात करो। हरगिज़ नहीं आंटी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपने पास से बात करूँ। फिर तो इसका कोई हल आप ही सोचे आंटी, मैं जैसा हूँ जो हूँ आपके सामने हूँ, जैसे खाली हाथ बैठा हूँ, अगर ऐसे आपको कबूल हो तो बेशक मेरा आज ही नैना से निकाह कर दें। चलो खैर, तुम अपने घर वालों को तो शामिल करोगे ना? नहीं आंटी, घर में अम्मी के अलावा मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, और फिलहाल अम्मी से भी बात करने का मेरा मुंह नहीं है। तो अगर तुम्हारे इसी पोजीशन पे मैं तुम्हारा नैना से निकाह कर दूं तो तुम घर दामाद बन के रहने को तैयार हो? अरे भाई, तुम इतनी बेकरारी से यहाँ क्यों घूम रहे हो? भैया मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। खैरियत थी? हाँ, वो आपको कहीं डिनर पे तो नहीं जाना अभी? नहीं, आज तो कहीं नहीं जाना। एक्चुअली मैंने सनिया को डिनर पे इनवाइट किया था आज, तो मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं फिर कंफर्म करूं उसे। अच्छा, बिल्कुल कंफर्म कर दो,
लेकिन ये डिनर है किस मसले में? हाँ, आपके पास अगर 5 मिनट हैं तो हम बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, आओ। आइए प्लीज। अम्मी, अम्मी देखिए मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छा खाने में क्या है? शलक या दाल चावल थी, पता है आपको मुझे अच्छी नहीं लगती। आपने क्या बनाया? बताए ना अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छे लग रहे हैं ना वैसे मेरे बाल? हाँ हाँ, मैंने अरबाज से कहा है कि तुम और नैना शादी कर लो। क्या, कब का है? अभी 1 घंटा बैठ कर गया वो मेरे पास, बल्कि मैंने उसे खुद फोन करके बुलाया था और मैंने उसे ये कह दिया कि तुम और नैना फौरी शादी कर लो। आपने कहा क्या है अम्मी? जो तुमने सुना। अच्छा छोड़ो, मैंने मटर पुलाव बनाया, खाना लगाओ। मेरी भूख उड़ा के आप मुझे मटर पुलाव खाने को कह रही हैं? अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? बेटी की माँ होके बेटी का रिश्ता अपने मुंह से मांग लिया आपने। अरे उसकी आंखें तो कई बार मुझसे रिश्ता मांग चुकी हैं, मैंने तो सिर्फ आई जुबान से उससे बात की है। अम्मी प्लीज मुझे ये ना ड्रामे के डायलॉग्स नहीं सुनने। आंखें रिश्ता मांग रही थी और आपने ऐसा क्यों किया अम्मी? मुझे तुम्हारा यही हल समझ में आया। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर जो दिल चाहे करती फिरना। तुम जानो और तुम्हारा शौहर, दुनिया की आंखें जाने और जुबान। मैं तो कम से कम बड़ी जुमा हो जाऊंगी ना। अरबाज आके फोड़ देने वालों में से है और मैं जबान खींच लेने वालों में से हूँ। कोई कुछ कह के तो दिखाए। पता नहीं अरबाज मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं जानबूझ के बाहर गई हूँ ताकि आप ये बात कर लें उससे। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना इतना वो भी तुम्हें जानते। गलत बातों को दिल में जगह मत दो। अच्छा ये बताओ खाना लगाओ। तुम खाओ या ना खाओ मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। बहुत बुरा किया है आपने, सीरियसली बहुत बुरा किया है। पता नहीं क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। आखिर ये बातें निकली क्यों? मुझे तो लगता था ये पूछ पुछावे सिर्फ लोअर क्लास में होता है, लेकिन आज पता चला कि ये पूछ पुछावे अपर क्लास में ज्यादा होते हैं। आप लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे लोगों को चेंज ऑफ थॉट कहते हैं। अंग्रेजी में कह देने से बात का मतलब नहीं पता जाता। कान यहाँ से पकड़े या वहां से, पकड़ना तो कान ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी एजुकेशन उर्दू मीडियम से कंप्लीट किया। अरे गलतफहमियों की कोई क्लास नहीं होती, गलतफहमी तो दो लोगों के दरमियान पैदा होती है और वो किसी भी तबके से ताल्लुक रख सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़ुल्फ़िकार, मुझे सनिया जैसी अपर क्लास और इंग्लिश मीडियम लड़की से ऐसी होगी कि इतनी सी बात को नहीं समझ। ये इतनी सी बात नहीं है भाभी, आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरे होने वाला हस्बैंड मुझसे इसलिए शादी करना चाहता है ताकि उसे बिजनेस में सपोर्ट मिले। तुमने कही थी बात? हाँ ज़ुल्फ़िकार, मैं आपको थोड़ी देर पहले यही तो कह रही थी कि सनिया से ना सिर्फ इतनी सी बात जब्त हो सकी बल्कि उल्टा मेरी बात को गलत रंग दे दिया। मैंने गलत रंग दे दिया? लेकिन गलत रंग किस तरह? देखिए ज़ुल्फ़िकार, अब मैं बातों को क्लियर करने बैठूंगी ना तो बहुत सारी ऐसी बातें मुझे क्लियर करनी पड़ेंगी जिससे मज़ीद दिल बुरे होंगे, तो इसलिए मैं मुख्तसर बता देती हूँ। मैंने सिर्फ सनिया से इतना कहा कि हो सकता है हारून तुमसे शादी करने में इसलिए जल्दबाजी तो नहीं कर रहा कि वो तुमसे बिजनेस की सपोर्ट लेना चाह रहा है, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार ने तो उसे बिजनेस से अलग कर दिया। मैंने भाई को घर बिठाकर इस बिजनेस को यहां तक लाने में बहुत मेहनत की और आज भाई आपको और भाभी के सामने मैं सनिया को ये बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में मेरा हिस्सा है या नहीं। ये बात बाद में करेंगे अकेले। मैंने ये बात एक कार्ड की तरह संभाल के रखी है, जैसे ही वक्त आएगा ना I'll show it। अगर और जी लेते।
बार तुम्हें समझा चुका हूं कि वक्त से घर आ जाया करो। मैं किसी गलत बात पे इसरार नहीं कर रहा। इस वक्त रात के 2 बजे हॉर्न बजाते हो, पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि इस वक्त इस घर में कोई आया है। इस घर में तुम्हारी माँ और बहन भी रहती हैं। उम्मीद है कि कल तुम शरीफों के वक्त से घर आ जाओगे। और मैं भी आपको कितनी बार बता चुका हूं कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। ना तो मेरे लिए रातों को जागने की जरूरत है और ना ही दरवाजे खोलने। मैं भी उतनी ही बार तुम्हें समझा चुका हूं कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी या बेटी इस वक्त दरवाजे पर जाए। क्या पता दरवाजा खटखटाने वाला कौन है, भेड़ है या भेड़िया। लगता है किसी थिएटर में काम करता था। क्या टिका के डायलॉग मारता है। चलो अब ये पकाएगी। हेलो, इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मोहल्ले वालों को सुना रहा था कि फोन बज रहा है। फिर मेरे से चुपाई नहीं है। देखो नन, इस वक्त मेरा दिमाग घूमा हुआ है तो टेढ़ी बात नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग कब घुमा हुआ नहीं होता। और बस मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम इस घर के घर दामाद नहीं बनोगे और ना ही मैं तुम्हारी फैमिली के बगैर शादी करूंगी। हमारी शादी सारे ट्रेडिशंस को मद्देनजर में रखते हुए होगी। समझ आ गई है। गुड नाइट। क्या बात है, ऐसा लग रहा है रात सोई नहीं हो तुम। ठीक कह रहे हैं आप, सारी रात इतनी बेख्वाबी सी रही है। जब भी आंखें बंद करती थी सनिया मुख्तलिफ जामियों से मेरी आंखों के आगे आ जाती थी। अच्छा, ये कैफियत तो हारून की होनी चाहिए थी। जुल्फकार, मैं सच कह रही हूं, आपने रात को देखा नहीं था वो डिनर के दौरान मुझे किस तरह से देख रही थी। अच्छा खैर छोड़ो, बात गई बात गई, आओ नाश्ता कर लीजिए। बात गई नहीं, बात शुरू हुई है। जुल्फकार, मुझे नहीं लगता कि मेरी और सनिया की बन पाएगी। लेकिन तुम्हें बनानी पड़ेगी क्योंकि सनिया मेरे अजीज दोस्त की बेटी और हारून मेरा भाई है। मैंने तुम्हारे कहने पे उसे बिजनेस से तो अलहदा कर दिया लेकिन अपने घर से और जिंदगी से अलहदा नहीं कर सकता। क्या मतलब है मेरे कहने पर? इस बात का मतलब है क्या आपका बिजनेस क्या मैं अपने नाम पे करवाना चाहती हूँ, ये मतलब है आपका? ये कौन कह रहा है? और ऐसा कहिएगा भी मत, क्योंकि ये सब कुछ मैंने किसी लालच में आकर नहीं किया। ये सब कुछ तो मैंने इसलिए किया कि अमरीन पे लगे तमाम इल्जाम हट जाएं। बस अमरीन तुम्हें कहां से याद आ जाती है? हैं? चलो नाश्ता करें। अम्मी, मैंने अरबाज को शादी से मना कर दिया। अरे क्यों मना कर दिया? उस तरह से मना नहीं किया लेकिन जिस तरह से आप लोग मेरी शादी कराना चाह रहे हैं उस अंदाज को मना किया। जरा सोचो नैना, अगर अरबाज घर दामाद बन जाएगा तो इस घर में एक मर्द का वजूद हो जाएगा और अगर तुम रुख्सत होकर चली गई तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? अम्मी, आपका मसला हल हो सकता है लेकिन मैं इस तरह से शादी नहीं कर सकती। उसके माँ बाप खुद ब खुद मान जाएंगे, जब उसकी जॉब होगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, ये मेरी पहली और आखिरी शादी है, आगे मैंने 5-6 शादियां और नहीं करनी कि इसमें अगर कुछ नहीं हो रहा तो अगली में हो जाएगा। मेहंदी माइयो अगली में कर लेंगे, ससुराल वाले अगली में आ जाएंगे, मुझे नहीं करनी। पता नहीं क्या बोले जा रही हो। बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, बस मैंने कह दिया है मुझे अपनी शादी में सब कुछ प्रॉपर चाहिए। पहले मेरा रिश्ता आएगा, फिर मेरी मंगनी होगी, फिर मेहंदी माइयो एंड देन शादी। बस चुप करके चाय पियो। ब्रेकफास्ट किया? मनाओ।
नहीं, वो क्लाइंट के साथ था तो कुछ खाया नहीं। किस किस्म की औरत है? मैं जब से घर आई हूँ मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे अंदाजा था कि तुम बहुत स्ट्रेस लेकर गई होगी रात को, इसलिए मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास आ गया। देखो वो बहुत इल्जाम लगाने वाली छोटी औरत है। लेकिन हारून, हम एक साथ कैसे रहेंगे? जरूर रहेंगे। वो जब एक दो बार मुंह की खाएगी ना तो खुद ही सुधर जाएगी। नहीं, तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। बहुत चालाक औरत है, जिसे दो चार दिन हुए इस माहौल में आए हुई, वो मुझे सिखा रही है कि अपर क्लास ऑफ ब्रांड क्या होता है। अब तुम्हें समझ में आया कि वो तुम्हारी और मेरी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती? वो चाहती है कि वो पूरे बिजनेस पर और हमारे घर पर अकेली खुद ही कब्जा कर ले। टेलिंग यू दैट। सारी बातें ठीक है, अगर बिजनेस में तुम्हारा जुल्फिकार भाई के साथ शेयर है तो ठीक है, गलती से तुम्हारे मुंह से निकल गया। तो भाई ने जवाब में ये क्यों कहा कि हम अलैदगी में बात करेंगे? तुम्हें पता है कि महमूदा ने अपने दोस्तों से क्या कहा? उसने बताया है कि भैया उसके शौहर नहीं है, मैं उसका शौहर हूं। क्या? यस। किस किस्म की औरत है? मैं भी हैरान था जब उसके दोस्त ने उससे उसके शौहर की हैसियत से बात की। उसे तब शर्म नहीं आई जब उसने अपने से बड़ी उम्र के शख्स से शादी की? बस पैसे की लालच। हारून, तुमने सारी बातें भैया को बताई? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो लड़का खुद अपने मुंह से भाई को बताए एक एक बात, महमूदा की पूरी प्लानिंग के साथ। गुड, लेकिन कैसी प्लानिंग? तुम यकीन नहीं करोगी, उसने एक बार मुझे बहाने से रेस्टोरेंट बुलाया और पीछे से अपने उस दोस्त को कॉल की। जब वो आया तो महज उसको दिखाने के लिए मुझसे इतना क्लोज होकर बात कर रही थी, मतलब कांट टेल यू, शी इज सच अ शो ऑफ। नहीं, तुम्हें ये सारी बातें भैया को बतानी होगी। नहीं, मैंने ये बात एक कार्ड की तरह संभाल के रखी है, जैसे ही वक्त आएगा ना आई विल शो इट। ग्यारह बज गए, अभी तक उसका फोन नहीं आया। आज तो कॉलेज की भी छुट्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे जताना चाहता है कि मैं शादी करूं ना करूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई परवाह नहीं है। अगर अब मैं फोन करूंगी तो वो मेरी शरारत भी नहीं मानेगा, उल्टा अपनी बातें सारी मनवा लेगा। ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं मेरे लिए अपने असूलों से बढ़ के और कुछ नहीं है, चाहे वो मेरा प्यार ही क्यों ना। फाइन, मैं भी फोन नहीं करूंगी। आ गए आप? फाइल घर भूल गया था, वो लेने के लिए आना पड़ा। फाइल यहाँ घर पर? मैं कुछ दिन पहले एक फाइलों का बंच लाया था स्टडी करने के लिए दफ्तर से, उसमें से एक फाइल यहाँ रह गई कहीं। लेकिन उसमें से एक ही फाइल क्यों गायब है? ओहो भाई, रख दी होगी कहीं, इधर उधर रख के भूल गया हूँ, इसे क्या मसला? अच्छा सुने, मैं मायों की सारी चीजें ले आई हूँ, आप एक नजर देख लेते। ले आई हो, सेटिस्फाइड हो, बस ठीक है, फिर क्या परेशानी है? अपनी तरफ से तो मैंने सब चीजें बहुत अच्छी बनाई हैं, बहुत अच्छी लेकर आई, लेकिन एक बार आप भी देख लेते तो ज्यादा बेहतर था। लो ये बड़े फाइल।
अच्छा ये मुझे हो रही है देर, मैं जा रहा हूँ, शाम को मुलाकात हो। देख तो ले बाद में। परसों रात फिर थक कर चूर हो जाऊंगी, फिर मायों के बाद मेहंदी, फिर वो साहिबा खुद तशरीफ ले आएंगी। मुझे तो सनिया के इस घर में आने के नाम से भी हौल आ रहे हैं। इस हालत में कितना जुल्म कर रहे हैं ये लोग मुझ पर, क्या करूं मैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे। तुमने जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है ना, तो अपना लो, वरना वरना क्या, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करूंगा। अगर और जी लेते। हेलो, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। 2 महीने पहले मैंने उस आदमी को छुरा मारा है, और जब से घर में आया हूँ कल रात तक मैं उसकी इंसल्ट किया जा रहा था, मैं उससे कैसे जाके बात करूँ। जो कुछ तुमने अभी बताया है ना, इससे तुम्हारा ज़र्फ तो पता चलता है, लेकिन ये भी पता चलता है कि उनका कितना आला ज़र्फ है। अच्छा, तो दूसरे अल्फाज में तुम मुझे कम ज़र्फ कह रही हो? तो दिखाओ अपना ज़र्फ, जाओ जाके उनसे माफी मांगो अपने एटीट्यूड की। मैंने अभी तक अम्मा की दूसरी शादी एक्सेप्ट नहीं की है, तो नहीं नहीं मैं माफी कैसे मांग सकता हूँ, और ना ही मैं रिश्ते की बात कर सकता हूँ। तो अपनी अम्मी से कह दो ना, वो उनसे कह देंगी। नहीं यार, अब अम्मा से कहना और भी मुश्किल है, अब तो घर में मैं कुछ भी कमा के नहीं लाता। पहले फिर भी कोई ना कोई लूट मार करके आटे में नमक के बराबर ला के देता था, लेकिन तुम्हारे ताने सुन सुन के वो भी छोड़ दिया है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, तुम उनसे बात तो करो, आई एम श्योर वो लोग मान जाएंगे, बल्कि वो बहुत खुश होंगे। बाप की मोहब्बत। अरे तो तुम जाके अपनी अम्मी को तो मनाओ, चलो अच्छे बच्चों की तरह जाओ और उनसे बात करो। बल्कि एक काम करो, तुमसे बात शुरू करो और फोन उनके हाथ में दे देना, आगे मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है? क्या चीज है ये? हाँ बेटा, वो आपसे जरूरी बात करनी है। शुक्र है खुदा का, मेरे बेटे ने हंस के मुझसे बात तो की। बैठो। चले अच्छा हुआ आपने जिंदगी के अंधेरों से पीछा छुड़ा लिया। तुमने मुझसे कोई बात करनी थी, वो बात करो। अम्मा वो दरअसल बेटा खुल के बात करो, क्यों झिझक रहे हो? मां हूं तुम्हारी, बोलो क्या बात है। अब वो एक लड़की है। लड़की? मैं चाहता हूं कि आप उससे मिलके बात पक्की कर लें। जरूर बेटा, मैं भी चलूंगा और तुम्हारी मां भी जाएगी, लेकिन बेटा अगर उन्होंने पूछ लिया कि लड़का करता क्या है तो फिर। अरबाज, अरबाज बेटा रुक जाओ। जाने दो उसे, अब नहीं रुकेगा। अब नहीं रुकेगा वो, इसलिए कि वो समझ गया है कि मैंने क्या कहा। आपको इस वक्त ये बात करना जरूरी था क्या? देखो बात ये है हविता, कि अगर वो रुक जाता तो मैं समझता कि वो मसाइल को हल करना चाहता है, लेकिन अब वो नहीं रुका। इससे ही जाहिर होता है कि वो मेरे और अपने दरमियान की दीवार को गिराना नहीं चाहता। लेकिन इस वक्त तो वो अपनी शादी की बात करने आया था। अब वो बदमजा होके गया है, हम दोनों के लिए बेहतर है।
लेकिन अगर हम लड़की वालों के घर जाते और वहां से हम सारे बदमजा होकर लौटते तो ये बहुत बुरा होता। अब जब वो हमें लेकर जाना चाहता है लड़की के घर, तो लड़की वाले राजी होंगे तो तभी लेकर जाना चाह रहा है ना भैया। पता नहीं लड़की कैसी है जो इस किस्म के लड़के से शादी करने के लिए राजी होगी। किस किस्म का लड़का? मेरा बेटा चोर है, डाकू है क्या? नहीं नहीं, चलो तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कौन? अरबाज बेटा, आओ आओ बेटा। नैना है आंटी? हाँ, अंदर आ जाओ। बैठो, चाय पियोगे? नहीं। अच्छा हो तुम घर मिल गई, जो बात तुम्हें आंटी ने बतानी थी मैं खुद ही बता दूं। बोलो। आंटी अपनी बेटी से कह दे मैं जैसा हूं, जो हूं, जिस काबिल हूं, तुम्हारे सामने हूं। तुमने जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है ना, तो अपना लो, वरना। वरना क्या? चुप हो जाओ नैना, तुमने बात की अपने घर पे? मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि मैं अपने मां बाप से कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि कर ही नहीं सकता, और अपने बाप को शामिल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरबाज, नैना मैंने कहा ना तुम चुप हो जाओ। देखो नैना, अगर आज के बाद तुमने अपना मुतालबा दोहराया तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने हूं आज, अभी, इसी वक्त, या तो मुझे हमेशा के लिए अपना लो और या फिर हमेशा के लिए छोड़ दो। बस तुम नैना तुम चुप हो जाओ। बेटा तुम टेंशन नहीं लो, मुझे बताओ कि हुआ क्या। कुछ नहीं आंटी, मैं जा रहा हूं नैना, अपना फैसला मैंने सुना दिया, अब तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे फोन पे बता दो। अरबाज बेटा, अरबाज, कोई जरूरत नहीं उसे रोकने की, और आप क्यों बला वजह उसकी साइड ले रही? तुम्हें पता है कि झगड़ा क्यों बढ़ता है? जब जलती पे तेल डालते हैं, आग पे हमेशा पानी डालना चाहिए, इससे वो बुझ भी जाती है और नुकसान भी नहीं देती। अगर वो घर दामाद बन जाएगा तो इसमें मुसीबत ही क्या है? अम्मी आप ही की तरबियत बोल रही थी, मैंने बचपन से लेके आपको सारी लड़कियों को यही समझाते सुना है कि मोहब्बत की सुथली को ससुराल की झाड़ू में बांधे रखना चाहिए, वरना तिनके बिखर जाते। मैं कैसे उसके भाई बहन से उसको तोड़ा लूं, उसके माँ बाप से उसको अलग कर दूं? कब कह रही हूँ कि तुम उनके बहन भाइयों को तोड़वाओ। अच्छा खैर छोड़ो, फिर बात करें। चाय ला दूं आपको? आप थक गए होंगे। आपको मेरी थकन का एहसास है? मुझे आपकी थकन का एहसास नहीं होगा तो और किसको होगा? हिदायत क्या बात है, मैं कल से नोट कर रही हूँ कि आप शिकवा भरी नजरों से मुझे देख रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई है? इतनी बड़ी बात मुझे छुपाई और शिकवा भी ना करूं? कौन सी बात आपसे छुपाई? फरीदा के निकाह वाली बात, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो हिदायत मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप फजूल में परेशान हो जाएंगे, असल में आजादी सा मामला था इसलिए। हमीजा, जाती मामला? क्या तुम अब भी मुझे इस घर से अलग समझती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत समझ रहे हैं आप। इसीलिए मैं सोच रही थी कि आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरी बेटी के बारे में, कितनी गलत हरकत की है उसने।
हरकत तो खैर गलत है, लेकिन अब सोचना तो ये ना कि इस गलत को सही कैसे करें। इस गलत हरकत को कैसे ठीक किया जाए, यही सोच सोच के परेशान है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। हल तो निकालना पड़ेगा ना हमिता। फिलहाल मैंने फरीदा से कहा है कि उस लड़के से मेरी मुलाकात कराए। उस लड़के से मिलके मुझे पता चलेगा कि उसकी नीयत क्या है। लेकिन जरा ख्याल से बात कीजिएगा, धीमे अंदाज में। जीनाओं के बाद बनने की बजाय उल्टा बिगड़ जाए। अमिता, मैं बेटी का बाप हूँ, इज्जत और बेइज्जती के मामला को अच्छी तरह समझता हूँ। जाहिर है पहले तो उसे प्यार से समझाऊंगा, लेकिन अगर वो रास्ते पे ना आया तो मुझे निमटना आता है। अगर और जी लेते, अगर और जी लेते। तुम्हारी एक एक चोरी, एक एक डकैती, एक एक हरकत, सब का कच्चा चट्टा है मेरे पास। एक बयान दूंगा ना, सालों के लिए जेल चले जाओगे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई फरीदा का नाम अपनी जुबान पर लाने की? वो बीवी है मेरी,